नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिहार टेक्निकल में और आज के स्टूडियो में। दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश और मैं आज के स्टूडियो में आप सबको बताने वाला हूँ SBI द्वारा लंच एप्लीकेशन के बारे में, जिसके थ्रू आप अपना पासबुक कैसे चेक कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कैसे कर सकते हैं और आप बैलेंस को ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ SBI द्वारा लंच एप्लीकेशन को रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, पासबुक कैसे चेक कर सकते हैं और बैलेंस इंक्वायरी कैसे कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका छोटा सा घंटी होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल से प्ले स्टोर को ओपन करना है। चलिए, प्ले स्टोर को ओपन हो चुका। इसके बाद आपको सर्च बार में टाइप करना है SBI पर्सनल। इतना ही आप सर्च कीजिएगा तो ये एप्लीकेशन आ जाएगा जिसका नाम है SBI एनीवेयर पर्सनल जोनो लाइट। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ये एप्लीकेशन जो है SBI द्वारा लॉन्च किया हुआ है, ऐसा वैसा एप्लीकेशन नहीं है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद ओपन पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद कुछ समय तक वेट करना है। इसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा। तो आप इसको फर्स्ट बार रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो नीचे एक ऑप्शन मिलेगा न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे सामने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नोट से इसमें लिखा हुआ है, इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद हमारे सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, इसको हमें फिल करना है। तो चलिए हम इसको बारी बारी से फिल कर लेते हैं। सबसे ऊपर लिखा हुआ है अकाउंट नंबर, तो हमें यहाँ पर अपना SBI अकाउंट नंबर को इंटर करना है। चलिए हम यहाँ पर अपना SBI अकाउंट नंबर को इंटर कर देते हैं। आप भी अपना SBI अकाउंट नंबर को यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा। अकाउंट नंबर को इंटर करने के बाद नीचे आना है CIF नंबर, इसमें आपको CIF नंबर को इंटर करना है जो आपके पासबुक पर मिल जाएगा। चलिए हम यहाँ पे पास CIF नंबर को इंटर कर देते हैं, आप भी CIF नंबर को इंटर कर दीजिएगा। तो क्या जैसे कि हमने CIF नंबर को भी इंटर कर दिया। इसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर लिखा है ब्रांच कोड, आपको ब्रांच कोड यहाँ पर डालना है। यदि आपको ब्रांच कोड पता नहीं है तो आप गेट ब्रांच नेम पर क्लिक कीजिएगा तो आप अपने ब्रांच का नाम यहाँ से चेक कर सकते हैं, ब्रांच का कोड चेक कर सकते हैं। तो गैस, आपको ब्रांच कोड जो होना चाहिए 5 नंबर का होना चाहिए। यदि आपके ब्रांच कोड 4 नंबर का है तो आप उससे पहले सुन लगा ले, जैसे कि हमारे ब्रांच कोड का पहले सुन लगा हुआ है। इसके बाद आपको कंट्री को सिलेक्ट करना है। चलिए हम अपना कंट्री को इंडिया को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से आपको भी सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे आना है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को इंटर करना है, जो आपके बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर इंटर करना है। चलिए हम अपना मोबाइल नंबर को यहाँ पर डाल देते हैं। मोबाइल नंबर को डालने के बाद नीचे आना है फैसिलिटी रिक्वायर्ड में, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आपको फुल ट्रांजैक्शन राइट को सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको नीचे आना है, कैप्चा को फिल करना है। चलिए हम कैप्चा को यहाँ पर फिल कर देते हैं। तो गाइस, जैसे कि देख रहे हैं कि हम यहाँ पे कैप्चा को भी फिल कर दिए। सब कुछ फिल करने के बाद आपको इसको फिर से चेक कर लेना है कि जो आपने फॉर्म को फिल किया इसमें कुछ गलत तो नहीं फिल हुआ है। सब कुछ जब सही है तो नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। चलिए हम सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हमें कुछ समय तक वेट करना है। इसके बाद हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे वन टाइम पासवर्ड को भेजा जाएगा, यानी कि OTP को भेजा जाएगा। तो हमारे मोबाइल नंबर पे OTP आ चुका है, चलिए हम इसको फिल कर देते हैं। तो आप भी इस तरह से फिल कर दीजिएगा अपने OTP को। OTP को डालने के बाद में कन्फर्म के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद हमें कुछ समय तक वेट करना है। इसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा। यदि आपके पास में ATM कार्ड है तो आप फर्स्ट वाली पे टिक करने दीजिएगा, यदि आपके पास में ATM कार्ड नहीं है तो सेकंड वाली पे क्लिक कीजिएगा। तो हमारे पास में ATM कार्ड है इसलिए हम फर्स्ट वाली पे टिक करने देते हैं। इसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट का बटन, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। चलिए हम इस पर क्लिक कर दिए हैं। इसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसमें हमें अपने डेबिट कार्ड का डिटेल फिल करना है। तो चलिए हम इसमें अपना डेबिट कार्ड का डिटेल बारे में से फिल कर देते हैं। सबसे ऊपर लिखा हुआ है कार्ड नंबर, तो हमें अपना डेबिट कार्ड यानी कि ATM कार्ड का नंबर फिल करना है जो 16 नंबर का होता है। तो हम अपने डेबिट कार्ड का नंबर फिल कर दिए। इसके बाद आपको नीचे आना है, अपने डेबिट कार्ड का एक्सपायरी डेट को फिल करना है, मंथ और ईयर। तो चलिए हम यहाँ से इसको भी फिल कर देते हैं। तो मेरा ईयर हो गया। डेबिट कार्ड का एक्सपायरी डेट फिल करने के बाद आपको नीचे आना है, कार्ड होल्डर नेम आपको टाइप करना है, जिसके नाम से ATM कार्ड है डेबिट कार्ड है उसका नाम यहाँ पे आपको टाइप करना है। इसके बाद अपना ATM
पिन को यहाँ पे इंटर करना है जो आपने 3 नंबर का 4 नंबर का होगा। इसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको कैप्चा को फिल करना है जो आपको दिख रहा है। चलिए हम यहाँ पे कैप्चा को भी फिल कर देते हैं। इसके बाद आपको फिर से चेक करना है कि आपने जो फिल किया है इसमें कुछ गलत तो नहीं फिल हुआ है। तो सब कुछ जब सही है तो आपको प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें कुछ समय तक वेट करना है जब तक कि हमारा ट्रांजैक्शन प्रोसेस में है। इसके बाद हमारे सामने एक और फॉर्म खुल जाएगा और इस फॉर्म को भी हमें बारी बारी से फिल करना है। तो चलिए हम इस फॉर्म को भी बारी बारी से फिल कर देते हैं। सबसे ऊपर आपको यूजर नेम टाइप करना है। ध्यान देना है कि हम जैसे यूजर नेम को टाइप किए उसी तरह से आपको यूजर नेम भी टाइप करना है। इसके बाद आपको न्यू लॉगिन पासवर्ड टाइप करना है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको जो पासवर्ड बनाना है जो हम जिस तरह से टाइप करें उसी तरह से आपको भी टाइप करना है। इसके बाद आपको आई एग्री टर्म एंड कंडीशन को टिक कर देना है, नहीं तो ये वोट छूट जाएगा। इसके बाद नीचे एक ऑप्शन मिलेगा कन्फर्म लॉगिन पासवर्ड, तो आपको इसमें सेम पासवर्ड को इंटर करना है। जिस तरह से आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसी तरह से आपको पासवर्ड को बनाना है। इसके बाद आपको चेक करना है कि आपने जो फिल किया इसमें कोई गलत तो नहीं है। इसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद इस ऐप्स को एग्जिट कर देना है और फिर से ओपन करना है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा, तो आपको यूजर नेम टाइप करना है, पासवर्ड टाइप करना है। इसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर इंटर प्रोफाइल पासवर्ड बनाना है। ध्यान रखना है कि आप जो पहले पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको कन्फर्म पासवर्ड टाइप करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा हिट क्वेश्चन, तो आपको कुछ भी सिलेक्ट करना है इसमें से। इसके बाद उसका आंसर अपने हिसाब से कोई भी दे देना है। इसके बाद आपको क्वांटिटी सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर को इंटर करना है। इसके बाद आपको चेक कर लेना है कि जो आपने फिल किया वो सब कुछ सही है। इसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस आएगा, तो हमें एक ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें लॉगिन करना है इसको, तो आपने जो लॉगिन यूजर नेम बनाया था वो डालना है, आपको पासवर्ड डालना है। इसके बाद लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे सामने इस कुछ इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा, यानी कि इस एप्लीकेशन को होम पेज ओपन हो जाएगा। तो आप यदि बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो भी बैलेंस के बटन पर क्लिक कीजिएगा, तो आपका बैलेंस बता दिया जाएगा। और हमें तो अपना पासबुक को चेक करना है, तो इसमें एक मिलेगा माई अकाउंट, तो हमें इस पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा, तो इसमें अब एक मिलेगा ऑप्शन एम पासबुक, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको व्यू पासबुक के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका जो अकाउंट नंबर लिखा है इस पर क्लिक करना है। इसके बाद हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें बताया जाएगा कि हमें अपने किसी भी ट्रांजेक्शन करने के लिए एम पिन को सेट करना है। तो हमें एम पिन को सेट करने के लिए ओके के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस आएगा, तो हमें अपना पिन को बनाना है जो 4 नंबर का होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे पिन इंटर करना है। फिर कंफर्म पिन में फिर उसी पिन को इंटर कर देना है। इसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद हमारे सामने एक और डायलॉग बॉक्स आएगा, तो हमें कुछ नहीं करना है, इसमें साइन के नाउ के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो पासबुक है वो आपको शो हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो कैसे आप इस तरह से अपना SBI का अकाउंट बैलेंस को चेक कर सकते हैं, पासबुक को घर बैठे देख सकते हैं। तो अगले वीडियो में आपको बताऊँगा कि इस एप्लीकेशन के द्वारा बैलेंस को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो गाइस आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।